अलवर सरिस्का वन क्षेत्र में पिछले 4 महीनों से टाइग्रेस ST5 के गायब होने से न सिर्फ वन प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है, बल्कि वन क्षेत्र में शिकारियों के फिर से सक्रिय होने का भी अंदेशा नजर आ रहा है। पिछले दिनों ST11 की मौत की गुत्थी भी अभी तक पूरी तरह नहीं खुल पाई है और ST5 को ढूंढने में दिन रात एक करने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं लग पा रहा। वन्यजीव प्रेमी इससे हताश हैं और मानते हैं कि ST5 की भी मौत हो चुकी है और वन विभाग सिर्फ लीपापोती कर रहा है। सरिस्का वन क्षेत्र इस समय लगभग 1230 वर्ग किलोमीटर एरिए में फैला हुआ है। विश्व पटल पर इसकी पहचान सरिस्का टाइगर सेंचुरी के नाम से है। 2004 से पहले यहां करीब 40 से ज्यादा बाघ बाघिन हुआ करते थे और यहां पर्यटकों की रौनक देखते ही बनती थी, लेकिन शिकारियों की घुसपैठ के चलते एक एक करके सारे बाघ मार दिए गए और सरिस्का बाघ विहीन हो गया। यहाँ कभी सैलानियों की जो भरमार थी वह एकदम वीरान हो गई थी और पर्यटकों का आना भी रुक गया था। आखिर 2008 में रणथंबोर से बाघों को ट्रंकुलाइज कर अभिनव प्रयोग करते हुए सरिस्का शिफ्ट किया गया। धीरे धीरे सरिस्का की फिर रौनक बढ़ने लगी। सरिस्का में करीब 881 वर्ग किलोमीटर कोर एरिया और 322 वर्ग किलोमीटर बफर जोन है। यहाँ इन दिनों 14 बाघ बाघिन और शावक थे, लेकिन इसमें से 2 टाइगर की मौत हो चुकी है और टाइग्रेस ST5 4 महीने से लापता है। लेकिन वन्यजीव प्रेमियों द्वारा संभावना ये जताई जा रही है कि ST5 की भी मौत हो चुकी है। सरिस्का वन क्षेत्र की पहचान टाइगर से है। जी हाँ, अलवर के टाइगर्स की अगर बात करें तो पिछले 4 महीने से यहाँ टाइग्रेस 5 गायब है, जिसकी तलाश में पूरा प्रशासन लगा हुआ है, दिन रात एक कर रखे हैं, लेकिन आज तक टाइग्रेस का पता नहीं चल पाया है। ऐसे में कुछ हमारे साथ में वन्यजीव प्रेमी हैं, निशांत हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या लगता है आखिर 4 महीने से ज़्यादा हो गए टाइग्रेस गायब है, क्या वन विभाग की लापरवाही नजर आती है या क्या कारण है इसमें? देखिए, निश्चित रूप से जिस समय यह गायब हुई, यानी कि जनवरी का जो महीना है, जो लास्ट वीकेंड जनवरी के, और उसके बाद से डिपार्टमेंट के ग्राउंड जो टीम थी वहाँ उनकी लापरवाही तो बिल्कुल है। साथ में WIA जो मॉनिटरिंग करते थे टाइगर्स की, उनकी भी लापरवाही है कि उन्होंने सही सूचना सही समय पर नहीं दी और उसके बाद जो है ऑन रिकॉर्ड जो है टाइग्रेस चलती रही रिकॉर्ड्स के अंदर, फिर अचानक से एक पता चला कि कहीं भी नहीं दिख रही है उसके, कहीं पगमार्क नहीं आ रहे किसी वाटर होल पे, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा सर्च अभियान इसमें चलाया गया जिसमें हम भी शामिल थे, और निश्चित तौर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस समय से अब तक काफ़ी मेहनत करी है इसको खोजने में। लगभग सारे एरिए देख लिए गए, लेकिन जंगल बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारी उम्मीद से, और 70 या 100 जनों का स्टाफ कुछ नहीं इसमें ज़्यादा कर सकता, ये 500 आदमी कम से कम होने चाहिए। और टाइग्रेस नहीं मिल रही है कहीं पर भी टेक्निकली, और एज अ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट, बड़े बड़े जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने भी सब देखा, हमने भी देखा, टेक्निकली तो टाइगर हमारे हिसाब से जीवित नहीं है। और कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा कि जो कैमरा ट्रैप लगाए गए NTCA के प्रोटोकॉल पे, अगर इसमें कहीं आ जाती है तो, हालांकि ये बहुत नामुमकिन सी चीज़ है, तो ये बहुत चमत्कार होगा, वैसे टाइग्रेस नहीं है। पिछले दिनों निशांत ST11 की भी मौत हुई थी, वो क्या कारण नजर आए थे और क्या उसमें अब तक आपको लगता है जो जांच? देखिए, जो दूसरों का पता नहीं, मेरा जो मानना है, जो मेरे खुद का मैं जंगल को समझता हूँ, क्योंकि ST5 और ST11 लगभग 1 साल से एक साथ थे और इनमें मीटिंग भी हुई और दोनों एक ही एरिया में थे, अच्छे से दोनों के अंदर बाउंडिंग थी, और अचानक से जैसे ही 5 खो जाती है तो उसी दौरान जो है 11 का जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड है वो भी विचलित कर देने वाला है, यानी कि बहुत लंबे लंबे चक्कर लगाने लग गया, और जिस इलाके में वो मरा पाया गया है वो इलाका भी उसका नहीं था, पहले कभी उस एरिया में नहीं गया था, अचानक से उस एरिया में क्यों गया, क्या रीज़न है, क्या रीज़न है कि सिग्नल उसी दिशा में आ रहे हैं अब कॉलर के जो कि 5 के बताए जाते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न तो है, इसकी जांच ढंग से होनी चाहिए। क्या वो मानसिक रूप से परेशान था? क्योंकि अगर कोई जोड़ा साथ रह रहा है तो उसको स्मेल एक दूसरे की आती है, और अगर टाइग्रेस कहीं गायब हुई, जहां से भी गायब हुई, और तो वो टाइगर बार बार वहां जाएगा, बार बार उसके रिकॉर्ड को चेक करिए, आपकी 11 किधर गया, किस नाले में ज़्यादा रुका उसके गायब होने के बाद, अगर कहीं उसको दबा रखा है जंगल के अंदर किसी संदिग्ध लोगों के द्वारा, तो ST11 वहाँ जरूर गया होगा और उसकी तलाश करी होगी, क्योंकि स्मेल टाइगर को आएगी। ST11 का जो एक फंदे में फंसने की वजह से मौत हुई थी, क्या लगता है वो एक दुर्घटना थी या कोई साजिश का शिकार हुआ? सर, साजिश भी हो सकती है, क्योंकि फंदा जो वो लगा हुआ है प्रॉपर शिकार के लिए लगा हुआ है फंदा है जी। वो जानवरों को पकड़ने का ही है। हाँ ठीक है, उसमें टाइगर आ गया, लेकिन वो बड़े
वाइल्ड बोर, जंगली सुअर जिन्हें बोलते हैं, बड़ी नील गायें, इनको पकड़ने के फंदे हैं। अब टाइगर आ गया, वो मर गया था तो शिकार के लिए। लगता है कि एक बार फिर शिकारी गिरोह कोई सक्रिय हो चुका है? निश्चित रूप से शिकारी गिरोह सक्रिय है सरिस्का में, हम माने चाहे नहीं माने। वन प्रशासन क्या कहता है इस संदर्भ? वन प्रशासन अपनी जाँच में लगा पड़ा है और जो व्यक्ति पकड़े गए हैं पुराने शिकारों में भी इनकी कहीं ना कहीं लिप्तता है, कहीं ना कहीं जान पहचान है, चाहे वो संसार चंद से हो गई या कहीं ना कहीं बैकग्राउंड के तार जुड़े हुए हैं। भले ही वो अब टाइगर्स या लेपर्ड का हंट नहीं कर रहे, लेकिन ये पूरी एक ग्रोह जो है शिकारी ग्रोह है जी, जिसके तहत 5 को गायब किया गया है और जिसके तहत 11 मरा जी। एक बार फिर ग्रहण लग सकता है सरिस्का वन क्षेत्र के ऊपर। अगर हम बात करें, पिछले दिनों की बात करें, सरिस्का में कभी 40 के आसपास बाघ हुआ करते थे, लेकिन 2005 के आसपास शिकारियों द्वारा बाघों को पूरी तरीके से साफ कर दिया गया था। फिर वही स्थितियां एक बार फिर सामने आ रही हैं। टाइगर 11 की मौत एक सामने जीता जाता उदाहरण है कि इस तरीके का ग्रहण फिर लग सकता है। और टाइग्रेस 5 भी पिछले 4 महीने से गायब है, वह भी एक संशय की स्थिति बरकरार है। कुल मिलाकर वन प्रशासन की कहीं ना कहीं बाघों की निगरानी में लापरवाही कही जाएगी। बाघी नष्टी 5 का 4 माह बाद भी न मिल पाना कई तरह के सवाल खड़े करता है।